5 नवंबर को जन्मे व्यक्तियों में दूसरों को परखने की अच्छी क्षमता होगी। इन लोगों में संगठन क्षमता, ऑर्गेनाइजेशन स्किल काफी जबरदस्त देखने को मिलती है। काफी चतुर होते हैं ये लोग, दूसरों पर हमेशा संदेह व्यक्त करने वाले। हर किसी को ये लोग संदेह की दृष्टि से देखते हैं, किसी पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, सतर्क रहते हैं। ऐसे लोग किसी भी क्षेत्र में काम करें असाधारण रूप से धन कमा लेते हैं, क्योंकि इन लोगों में आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प, उत्तेजना, स्वतंत्रता, दबंगपना जैसे गुण देखने को मिलते हैं। वैसे ये लोग जिसे भी पसंद करते हैं दिल की गहराई से करते हैं, और जब घृणा करते हैं तो उसकी भी अति कर देते हैं। अपनी लड़ाई स्वयं लड़ते हैं, हर समय किसी न किसी काम में ये आपको व्यस्त नजर आएंगे। एक अच्छे वक्ता होते हैं, लेखन कला इनमें अद्भुत होती है। मल्टी टैलेंटेड पर्सन होते हैं, ऐसे व्यक्ति मानवतावादी भी होते हैं। समाज को सुधारने की बहुत सारी योजनाएं इनके मन में चलती रहती हैं, और प्रशंसा पाकर ये लोग अपने लोगों के पक्ष में बड़े बड़े काम भी कर डालते हैं। ये लोग अक्सर दोहरा जीवन जीते हैं, एक अपने लिए और दूसरा बाहरी दिखावे की दुनिया के लिए। इसलिए कई बार इनके गृहस्थी भी दो देखी गई हैं, और दोनों में ही ये लोग सफल भी रहते हैं। व्यवसाय भी इनके कम से कम दो तो होते ही हैं, जल्दी या देर से इन्हें सफलता और प्रसिद्धि मिलती जरूर है। वैसे भी ये लोग छोटे मोटे कामों में तो हाथ डालते ही नहीं हैं, कुछ बड़ा करने की इच्छा शक्ति इनके अंदर बहुत प्रबल होती है। दूसरों को राय देने में भी सबसे आगे होते हैं। बिजनेस हो या पॉलिटिक्स, इनके पास नए नए आइडियाज होते हैं। प्रत्येक समस्या की जड़ तक पहुंच जाते हैं, अपने काम के प्रति काफी डेडिकेटेड रहते हैं। इसीलिए ये लोग एक सफल डॉक्टर, सर्जन, मोटिवेशनल स्पीकर, काउंसलर, टीचर, एक साइकोलॉजिस्ट या पुलिस अफसर भी हो सकते हैं। इनके विचार मौलिक होते हैं, किसी भी प्रकार के विवाद या झगड़ों को निपटाने में इनकी भूमिका अहम रहती है। इनकी इसी विशेषता के कारण इन्हें शांति दूत भी कहा जाता है। ये लोग एक अच्छे खिलाड़ी भी हो सकते हैं, खतरनाक और जोखिम वाले काम किसी भी काम में ये लिप्त आपको दिख सकते हैं। एक्चुअली इन लोगों में सबसे बड़ी कमजोरी यही देखी गई है कि ये लोग जिसके भी संपर्क में आते हैं, जिनसे भी प्रभावित होते हैं, उन्हीं को फॉलो करने लग जाते हैं, उन्हीं के जैसे बन जाते हैं। इन लोगों की गुप्त और रहस्यमय विद्याओं में भी विशेष रुचि देखी गई है। ये लोग अपनी अंतःप्रेरणा की शक्ति को बहुत ही जल्दी विकसित कर लेते हैं, जिस कारण ये लोग एक सफल लेखक, कहानीकार, चित्रकार, नाटककार, कवि या फिर संगीतकार के रूप में भी उभर कर सामने आते हैं। स्वभाव इनका बेहद खर्चीला होता है, पैसा इनकी जेब में टिकता नहीं है। पैसे खत्म होते ही ये लोग फिर से बेचैन हो उठते हैं, दूसरों पर भरोसा इतनी आसानी से नहीं कर पाते हैं। फिर भी ये लोग अपने आप को ऐसी योजनाओं में फंसा लेते हैं जिसका कोई ठोस आधार नहीं होता। पैसा कमाने के लिए इनके दिमाग में नए नए विचार निरंतर उठते रहते हैं। इन लोगों के मित्रों की संख्या भी काफी अधिक होती है, और शत्रुओं की भी। अपने प्रियजनों से ये आदर भी पाते हैं और प्रेम भी। लाइफ में कम से कम एक बार तो ये किसी षड्यंत्र का शिकार अवश्य होते हैं। चोट एक्सीडेंट की संभावना भी इनके साथ लगातार लगी रहती है। इन लोगों के शरीर पर चोट के निशान, स्थायी निशान देखे जा सकते हैं। थोड़े ईर्ष्यालु स्वभाव के भी होते हैं, हंसी मजाक में कही गई बात को ये कई बार दिल पर लगा लेते हैं। किसी भी प्रकार के शक संदेह को बर्दाश्त करना इनके लिए लगभग मुश्किल सा होता है। हाँ, दूसरों के मामले में ये लोग टांग निगड़ाते हैं, बेकार की बातों में अपना समय खराब नहीं करते हैं। लोगों से संबंध भी उतना ही बनाते हैं जितनी इनकी आवश्यकता होती है, यानी कि पूरा नफा नुकसान देखकर ही अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे व्यक्ति धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति रखते हैं। इन्हें अपने कर्तव्यों और अपने सम्मान की गहरी समझ होती है। जीवन के प्रति इनका दृष्टिकोण बहुत स्वतंत्र होता है। ऐसे व्यक्ति सरकारी कार्यों और प्रशासन प्रणाली में भी उत्तम होते हैं, दृढ़ निश्चयी हैं। ऐसे व्यक्ति सत्य, शांति और न्याय के पक्षधर होते हैं। सताए हुए लोगों की मदद करने में सबसे आगे रहते हैं। अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए समर्पित रहते हैं। फाइटिंग स्पिरिट इनमें जबरदस्त होती है। मैनेजमेंट स्किल भी काफी अच्छी होती है। बड़ी बड़ी योजनाओं को लागू करना, बड़े बड़े व्यवसायों को संभालना, राष्ट्र के विकास संबंधी कार्य करना, ऐसे सभी कार्यों में ये कुशल होते हैं। ऐसी कोई ऊंचाई नहीं है जहां पर ये पहुंच ना सके, अगर ये सावधानी पूर्वक चले तो, क्योंकि सफलता ही इनके पतन का कारण भी बन जाती है।
अहंकार, प्रशंसा और चापलूसी इनकी मति भ्रष्ट का कारण बन जाती है। अत्यधिक परिश्रमी होते हैं लोग, जिस कारण इनकी ऊर्जा का काफी व्यय होता है। अत्यधिक मानसिक दबाव में आने पर ये लोग चिड़चिड़ाने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर फिर ये खींचने भी लगते हैं। यहाँ इन्हें धैर्य रखना चाहिए, जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें। क्रोध की अधिकता भी इनके लिए एक बड़ी समस्या बन जाती है। 5 नवंबर को जन्मे लोगों की सूर्य राशि है वृश्चिक। इसके स्वामी हैं मंगलदेव। कुंडली में सूर्य आपका जिस भी राशि में होगा वही आपकी सूर्य राशि होगी। अगर आपका सूर्य वृश्चिक राशि में है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपका सूर्य तुला राशि में है तो आपको मेरी 5 अक्टूबर वाली वीडियो देखनी होगी। और अगर आपका सूर्य धनु राशि में है तो 5 नवंबर को आने वाली मेरी वीडियो का इंतजार करना होगा, तभी आप अपने बारे में सही सही जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। सूर्य राशि हमारी सामाजिक छवि को दर्शाती है। आपका सोशल स्टेटस कैसा रहेगा ये हम सूर्य राशि से भली भांति जान सकते हैं। यहां आपको मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि जब भी आप अपने कैरियर का चुनाव करें तो अपनी सूर्य राशि और अपने भाग्यांक के अंक को ध्यान में रखकर ही अपने कैरियर का चुनाव करें। हमारी बर्थ डेट हमारे नेचर को दर्शाती है, जबकि हमारा भाग्यांक, जो कि ईश्वर के द्वारा दी गई डेस्टिनी है, हमारे पूरे जीवन की डेस्टिनी है। इसीलिए आप सभी को अपने मंथ और अपनी डेस्टिनी के अनुसार ही कैरियर का चुनाव करना चाहिए, तभी आप अपनी मंजिल को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक नजर अपने आप पर भी डालना चाहती हूं। मैं आर रूमी, एक काउंसलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। अगर आप भी अपनी लाइफ से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, या फिर मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, जहां आप डिटेल में सारी जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग के जरिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और कुंडली प्रेडिक्शन के द्वारा नेम के आधार पर अपनी हर प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे 2 या 3 सेशन में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहां एक बात का अवश्य ख्याल रखिएगा कि ये पर्सनल कंसल्टेशन पेड होती हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं और जान लेते हैं 5 नवंबर को जन्मे लोगों के बारे में थोड़ा सा और अधिक गहराई से। आप लोगों पर बुध और वृश्चिक के मंगल का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलेगा। मंगल एनर्जी है तो बुध बुद्धि, तर्क, चतुराई, कैलकुलेटिव माइंड वाला बना देता है व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति एनर्जेटिक भी होगा और दिमाग से भी काफी तेज होगा। फिर ऐसा व्यक्ति जोखिम लेने में, रिस्क लेने में भी आगे रहेगा, लेकिन बहुत सोच समझकर, अपना फायदा नुकसान जानकर ही कोई कदम आगे बढ़ाएगा। बुध बोलने की कला में माहिर बनाता है। बुध मित्रता का सूचक है। ऐसा व्यक्ति लोगों से अपना काम निकलवाने में माहिर होगा। मंगल जोश है, जुनून है, पराक्रम है। ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पर जो अपने लिए कार्यक्षेत्र का निर्माण करेगा, स्वयं ही अपने बाहुबल से, अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से काम को पूरा करेगा। ऐसा व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के बल पर सफलता हासिल करेगा। अपने काम में किसी की भी इंटरफेरेंस भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति बॉसी नेचर का होगा, यानी कि अपनी चलाने वाला। ऐसे व्यक्तियों में दूसरों को आकर्षित करने की असाधारण शक्ति होती है, लेकिन शरीर से ये लोग नाजुक होते हैं। बचपन में बीमार भी काफी पड़ते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगती है। फिर भी इन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि मेष राशि का मंगल बलिष्ठ शरीर देता है तो वृश्चिक राशि का मंगल आपको मानसिक रूप से प्रबल बनाता है। वृश्चिक राशि काल पुरुष कुंडली की 8वीं राशि है, इसलिए ये एक रहस्यमय राशि मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही सीक्रेट टीनेजर हो जाते हैं। लोगों के साथ तो घुल मिलकर रहते हैं, लेकिन अपने मन की बात या अपनी फीलिंग्स या अपनी बातें कि दूसरों के साथ शेयर नहीं करते हैं। दूसरों के प्रति संदेह भाव ज्यादा रखते हैं। दूसरों के बारे में सारी जानकारी रखते हैं, लेकिन अपने बारे में ज्यादा बात करना ये पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्ति एक अच्छे मनोवैज्ञानिक भी साबित होते हैं। इन लोगों में हीलिंग पावर काफी जबरदस्त होती है। वृश्चिक एक जल तत्व राशि है, इसलिए ऐसे व्यक्ति भावुक बहुत ज्यादा होते हैं। सभी राशियों में वृश्चिक राशि सबसे अधिक काम बली राशि मानी जाती है। इनकी एनर्जी का एक बहुत बड़ा भाग इनके प्रेम संबंधों पर खर्च होता है। अत्यंत भावुक होने के साथ साथ इनमें काम वासना भी काफी तीव्र होती है। अगर शारीरिक सुख में अपने साथी से संतुष्टि नहीं पाते तो बाहरी संबंध बनाने में भी ये बिल्कुल नहीं हिचकिचाते हैं।
ये अपने जीवन साथी में प्रेमिका का रूप ढूंढते हैं। मंगल पाप ग्रह है, क्रूर ग्रह माना गया है। बुध इसके साथ बैठ जाए तो इसमें मंगल वाले गुण आने लगते हैं। बुध फिर यहाँ पर मंगल को फॉलो करने लगता है, एक विचार देता है तो दूसरा उस विचार पर काम करता है, अपनी पूरी एनर्जी अपने पूरे एक्शन के साथ ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ता है। मंगल और बुध, मंगल जहाँ रक्त का कारक है तो बुध हरियाली का। मंगल और बुध अगर मिलकर काम करते हैं तो ये एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बन सकता है। ऐसा व्यक्ति अपनी ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग करेगा। बुध बुद्धि से, चतुराई से दिशा प्रदान करेगा और मंगल उस कार्य को करने के लिए एनर्जी देगा, स्वयं उस कार्य को आगे बढ़कर खुद करेगा। लेकिन ज़्यादातर इसके कमज़ोर फल ही देखे गए हैं, क्योंकि मंगल और बुध आपस में शत्रु राशि है। अगर मंगल और बुध कुंडली में काफ़ी मजबूत स्थिति में हुए तो ऐसा व्यक्ति अपने प्रोफेशन में अच्छी सफलता पाता है। एक इन्वेस्टिगेटर के रूप में ऐसा व्यक्ति समाज को नई दिशा देने का कार्य करता है, खूब धन कमाता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत प्रभावशाली हो जाती है। मंगल और बुध का मिलन जातक को तो खूब सफलता दिलाता है, लेकिन मंगल और बुध से जुड़े रिश्तों में समस्याएं भी उत्पन्न कर देते हैं। वहीं अगर कुंडली में मंगल और बुध खराब स्थिति में हुए तो ऐसे जातक को अपनी पढ़ाई पूरी करने में बहुत दिक्कतें आएंगी। ऐसे व्यक्ति की याददाश्त कमजोर हो सकती है, वो एकाग्रचित होकर अपने कार्य को नहीं कर पाएगा। ऐसे व्यक्ति की वाणी भी खराब हो सकती है, आवाज़ में हकलाहट या तुतलाहट भी हो सकती है, सरकारी कामों में रुकावटें आ सकती हैं। ऐसा व्यक्ति मानसिक तनाव में काफ़ी ज़्यादा रहता है, बेवजह का सोचता है, बेवजह की यात्राएं करता है, यहाँ वहाँ भटकता रहता है, यहाँ तक कि चारित्रिक दोष भी, फ्लर्टी नेचर उसके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है। चारित्रिक दोष इतना भी हो जाता है कि इनकी बदनामी का कारण भी बन जाता है। कुंडली में आपके मंगल और बुध की स्थिति कैसी है, वैसे ही आपको यहाँ पर रिजल्ट प्राप्त होंगे। आपका मंगल कैसा है, आपका बुध कैसा है, ये जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी अच्छे और ख़राब मंगल और बुध के लक्षण वाली इन वीडियोस को मेरे दूसरे चैनल पर, एस्ट्रोलॉजी के मेरे दूसरे चैनल पर देख सकते हैं। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऐसे में अगर मंगल कमज़ोर है तो मंगल के उपाय करें, और अगर बुध खराब या कमज़ोर है तो बुध के उपाय करें। इसके लिए आप मेरी इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इन सब के बावजूद परिस्थितियां अगर ऐसी हो जाएं कि कुछ समझ ना आए तो काउंसलिंग की मदद भी अवश्य लें, ताकि आप अपने जीवन को एक सही दिशा प्रदान कर सकें, अपने जीवन को उच्चतम ऊंचाइयों की ओर ले जा सकें। आप लोगों के मित्र अंक बनते हैं 1, 6 और 8 का अंक। 1 का अंक सूर्य देव का, 6 का अंक शुक्र देव और 8 का अंक शनिदेव का। आपके लिए समान अंक होते हैं 4 और 7 का अंक, यानी राहु और केतु का अंक। आपके लिए शत्रु अंक हैं 2, 3 और 9 का अंक। 2 का अंक चंद्रमा का, 3 का अंक गुरुदेव बृहस्पति का और 9 का अंक मंगलदेव का। आप लोगों के लिए शुभ तिथि और शुभ अंक होते हैं 5, 14 और 23 का अंक। आपके लिए शुभ दिन या शुभ वार हैं वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे, यानी कि बुध, शुक्र और रविवार। आपके लिए शुभ रंग होते हैं ग्रीन कलर, ग्रीन के सभी शेड्स, हरे रंग के सभी शेड्स, वाइट कलर, सिल्वर शेड्स, काले और गहरे रंग जितना हो सके उन्हें अवॉइड करें। आप लोगों की दोस्ती और कंपैटिबिलिटी उन लोगों के साथ अच्छी और अधिक घनिष्ठ देखी गई है जो आपके ही टाइम पीरियड में पैदा हुए हैं, यानी कि 21 मई से 27 जून, 21 अगस्त से 27 सितंबर और 21 अक्टूबर से 27 नवंबर के मध्य जन्मे लोग। और अगर इस समय के बीच में आपके साथी का जन्म 5, 14 या फिर 23 तारीख को हुआ है तो सोने पे सुहागा। इसके अतिरिक्त अगर आप इस समय के बीच में 5, 14 या 23 तारीख को कोई नया कार्य आरंभ करते हैं, कोई शुभ कार्य संपन्न करते हैं, तो ये भी आपके लिए अति शुभ फलदायी साबित होगा। इसके अतिरिक्त 1 जनवरी से 28 फरवरी, 21 अप्रैल से 27 मई, 21 जून से 27 जुलाई और 21 सितंबर से 27 अक्टूबर और 21 दिसंबर से 31 दिसंबर के मध्य जन्म लोगों के बीच आपके विपरीत लिंगी आकर्षण आसानी से देखे जा सकते हैं। अगर आप अपने बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं, और भी गहराई से जानना चाहते हैं अपने आप को, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं, तो वो पेड हैं। आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं।
मैं आर रूमी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।